आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे MGPE 004 का सॉल्व असाइनमेंट, जिसका सब्जेक्ट नेम है गांधी के राजनीतिक विचार। फ्रेंड्स, बात करें सेशन की तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने जनवरी 2020 में एडमिशन लिया है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगर आप इस वीडियो की PDF को परचेस करना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं, अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना चाहते हो तो आप इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर आपको दो पार्ट्स में डिवाइड है। आपको दोनों पार्ट्स को देखते हुए सिर्फ 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। चाहे आप फर्स्ट पार्ट में से 2 के आंसर देके सेकंड पार्ट में से 3 के आंसर दे सकते हो, अदरवाइज आप फर्स्ट पार्ट में से 3 के आंसर दे सकते हो और सेकंड पार्ट में से सिर्फ 2 के आंसर। इस तरह से आपको अपने आंसर को प्रेजेंट करना है। आप स्क्रीन पर सॉल्यूशन देख सकते हैं। हमने सेकंड क्वेश्चंस का आंसर प्रेजेंट किया है, ग्राम स्वराज्य के गांधी के सिद्धांतों की व्याख्या कीजिए। आपको इस वीडियो से पता चलेगा कि आप अपने असाइनमेंट के आंसर को किस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड्स, और कमेंट करके भी बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पर काफ़ी कोर्सेज के असाइनमेंट अवेलेबल है दोनों लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज। आप जिस भी कोर्स का असाइनमेंट परचेज करना चाहते हैं आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है। फ्रेंड, आप कमेंट करके हमें ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो में किस असाइनमेंट का सॉल्यूशन चाहते हैं। हम उस सॉल्यूशन को लाने की पूरी कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि किस तरह आंसर को प्रेजेंट किया है। फ्रेंड्स, आप वीडियो पर बने रहें। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही।